दुर्भाग्य से अब उग्रवाद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण और रवैया अपनाए है। क्या उग्रवादियों का भी कोई जाति और धर्म हो सकता है? क्या राजीव जी और दर्जनों व्यक्तियों की, उनके साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री की, जिन उग्रवादियों ने हत्या की थी, अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गतिरोध के चलते अपने मित्र दल AIADMK और उनके जो लगाए गए गवर्नर हैं उनके माध्यम से उग्रवादियों को इसलिए छोड़ देंगे खुलेआम, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को और एक पूर्व प्रधानमंत्री को और उनके साथ दर्जनों लोगों की हत्या करने वाले उग्रवादियों को सरेआम छोड़ देने का निर्णय राष्ट्रहित में हो सकता है या राष्ट्र विरोधी है? इस बात का निर्णय पूरे देश को करना है। उग्रवाद के साथ खिलवाड़, उग्रवादियों का संरक्षण मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और उग्रवादियों के साथ नरम रवैया मोदी जी और उनके मित्र दलों की सरकारें अपना रही हैं। उनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई कि राजीव जी के हत्यारों को जेल से रिहा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देश के लिए यह सुखद दिन नहीं, बहुत दुखद दिन है जब सत्ताधारी सरकार उग्रवादियों के संरक्षण में आकर खड़ी हो जाएगी, जब मोदी जी की मित्र मंडली सरकारें और उनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले, दर्जनों सैनिकों की हत्या करने वाले, नागरिकों की हत्या करने वाले लोगों को माफीनामा देना शुरू कर देंगे, तो ये देश के लिए सबसे दुख का दिन है। दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री उग्रवाद को लेकर भी अब ढुलमुल और नरम रवैया अपनाए हैं। ये क्या राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आता है या राष्ट्र प्रेम की परिभाषा में आता है? इसका ज्ञान मोदी जी हमें दे दें।